विद्यार्थियों, आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube क्लास में पुनः स्वागत है। भ्रमर गीत सार हम पढ़ रहे हैं और भ्रमर गीत सार में पद संख्या 24 और 26 का सब प्रसंग व्याख्या आज की कक्षा में पढ़ना है। पद संख्या 24, भ्रमर गीत सार का यह पद संख्या 24 है। जोग ठगौरी ब्रज नबिकह हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसोई फिर जय हैं। जापै ले आए हौ मधुकर ताके उर न समय हैं। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं। मूरी के पातन के कैना को मुक्ताहल दें हैं। सूर्यदास प्रभु गुनहि छाड़ के कह को निर्गुण निर्भय हैं। सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत सार का पद संख्या 24 का सप्रसंग व्याख्या पढ़ना है। संदर्भ इसका पहले की भांति ही रहेगा जैसा आप 7, 21 और 23 में लिखे हैं। प्रसंग परिवर्तित होता है और प्रसंग में आप लिखेंगे कि उद्धव से गोपियां कटाक्ष कर रही हैं अथवा उद्धव के ज्ञान के प्रति गोपियों का कटाक्ष है और उसी भाव को गोपियां इस पद में अभिव्यक्त कर रही हैं। इसको और सरलतम रूप से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि उद्धव जी जब ज्ञान का उपदेश देने आए हैं गोपियों के पास, तो गोपियां उनके ज्ञान के उस उपदेश पे, ज्ञान की बातों को सुन पे, उन पे कटाक्ष कर रही हैं और वह क्या कटाक्ष करती हैं वही भाव इस पद में अभिव्यक्त है। व्याख्या पढ़ा जाए, जोग ठगौरी ब्रज न बिकए हैं। जोग यानी योग, ठगौरी का अर्थ होता है ठग का सौदा, ठगौरी ठग वाला सौदा, बिकए हैं यानी कि बिकना। गोपिका उद्धव से कहती है कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकए हैं, कि हे उद्धव, यह जो योग का आपका ठग वाला सौदा है वह यहाँ ब्रज में बिकने वाला नहीं है। जोग ठगौरी ब्रज न बिकए हैं, हे उद्धव, आपका जो यह योग का ठग का सौदा है जिस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को आप देने आए हैं, यह ठगने वाला व्यापार इस ब्रज में चलने वाला नहीं है, इस ब्रज में बिकने वाला नहीं है। अर्थात तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को कोई लेने वाला नहीं है। आगे कहती है गोपिका कि यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो ही फिर जय हैं। यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो ही फिर जय हैं। फिर जय यहाँ का अर्थ होता है लौट जाना, लौट जाना। कहती कि हे उद्धव, जो आप निर्गुण ब्रह्म के ठग का सौदा यहाँ लेके आए हैं, ब्रज में आप निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, यह ठग का सौदा यहाँ बिकने वाला नहीं है। और यह जो निर्गुण ब्रह्म का व्यापार आपका है, तुम्हारा यह जो निर्गुण ब्रह्म का व्यापार है, यह ऐसे ही लौट जाना है, अर्थात कोई यहाँ उसे ग्रहण नहीं करेगा। और जिस प्रकार तुम लेकर यहाँ आए हो उसी प्रकार वापस चला जाएगा, कोई यहाँ उस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा। जापै ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है। उर माने होता है हृदय, उर माने हृदय। जापै ले आए हो मधुकर, मधुकर यानी उद्धव को, उद्धव का एक नाम मधुकर भी है। जापै ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है। गोपिका कहती है कि हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम जिसके लिए यह लाए हो, यह निर्गुण ब्रह्म का संदेश तुम जिसके पास लाए हो, जिसके लिए लाए हो, उसके मन हृदय में यह कभी भी समा नहीं पाएगा।
वह इसे ग्रहण नहीं करेगा, वह उसे पसंद नहीं करेगा। तुम जिसके लिए यह योग लेके आए हो या निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हो, उसके हृदय में, उसके मन में वह कभी नहीं समाएगा। उसका मन कभी उस ओर अभिमुख नहीं होगा, वह कभी निर्गुण ब्रह्म में अपने हृदय को, अपने चित्त को नहीं लगाएगा। आगे उदाहरण देती है गोपिका, दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, दाख मने होता है अंगूर, छाड़ के यानी छोड़कर, कटुक मने कड़वा, निबोरी मने नीम। कहती कि दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं, कि कौन ऐसी अज्ञानी गोपिका होगी जो अंगूर को छोड़ करके कड़वे नीम को खाएगी, कड़वे नीम को अपने मुख में ग्रहण करेगी, ऐसी कौन अज्ञानी होगी। मूरी के पातन के कैना को मुक्ताहल दे हैं। मूरी के मूरी मने हो गया मूली, पातन मने पत्ता, कैना मने बदले यानी उसके बदले में बदला, मुक्ताहल मने मोती। कहते कि मूरी के पातन के कैना को मुक्ताहल दे हैं, कि यह कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मूली के पत्तों के बदले मोती देना चाहेगा, अर्थात श्री कृष्ण के बदले निर्गुण ब्रह्म को कौन ग्रहण करेगा, अर्थात इतने भी अज्ञानी यहाँ कौन होगा। सूर्यदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्वय है। गुण ही मने होता है गुड़, छाड़ के छोड़कर त्याग कर, निर्गुण यानी निर्गुण ब्रह्म जिसका संदेश उद्धव जी दे रहे हैं, निर्वय है मने निर्वाह करना, निभाना, निर्वाह अथवा निभाना। सूर्यदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्वय है। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ऐसा कौन है जो संपूर्ण गुणों से युक्त, गुण ही यानी संपूर्ण गुणों से युक्त श्री कृष्ण प्रभु को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की साधना करेगा, निर्गुण ब्रह्म के साथ अपने संबंध को निभाएगा, निर्वाह करेगा, ऐसा कौन होगा। पुनः ऊपर से पढ़ते हैं, जोग ठगौरी ब्रजनबिकह हैं, यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो ही फिर जय हैं। उद्धव के योग ज्ञान की बात सुनकर गोपिका उद्धव पे कटाक्ष करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारा यह ठक्का सौदा, तुम्हारा यह ठक्का योग ज्ञान यहाँ ब्रज में बिकने वाला नहीं है, अर्थात कोई भी उस योग को ग्रहण करने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहारो उद्धो ऐसो ही फिर जाए हैं। हे उद्धव, जो ये तुम निर्गुण ब्रह्म का व्यापार लेके यहाँ आए हुए हो, जो ठगने वाला व्यापार यहाँ कर रहे हो, ये जैसे लेके आए हो वैसे ही वापस चला जाएगा, फिर जाएगा, लौट जाएगा, कोई उसे यहाँ ग्रहण नहीं करेगा। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है। हे मधुकर, हे भर भ्रमर, हे उद्धव, तुम जिसके लिए, जिसके पास यह योग संदेश लेके आए हो, उसके हृदय में यह कभी समा नहीं सकता, उसका मन कभी उसे पसंद नहीं कर सकता। दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं, कि कौन इतनी अज्ञानी होगी, कौन इतना अज्ञानी होगा जो अंगूर को छोड़ करके कड़वे नीम के फल को अपने मुख में ग्रहण करेगा, अर्थात कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के प्रेम को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म में अपने मन चित्त को लगाएगा। मूरी के पातन के कैना को मुक्ताहल दे हैं। कौन इतना अज्ञानी होगा जो मूली के पत्ते के बदले में मोतियों को दे देगा, अर्थात कृष्ण के भक्ति के बदले में कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो निर्गुण ब्रह्म के साधना को, उपदेश को ग्रहण करेगा। सूर्यदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्वय हैं। सूर्यदास कहते हैं कि गोपिका उद्धव से कहती है कि ऐसा कौन होगा जो संपूर्ण गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की साधना करेगा,
कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में वही अंतर है जो मूली और मोती में, जो नीम और अंगूर में। यह आपका हो गया पद संख्या 24। अब इसका विशेष आप लिखेंगे। विशेष में आपको लिखना है रूपक अलंकार लिखेंगे, विशेष में ब्रजभाषा है ही रूपक अलंकार। इसके अतिरिक्त तुल्योगिता अलंकार है, मूरी के पातन के बदले को मुक्ताहल दे हैं, जो वह पंक्ति थी उसमें तुलना की जा रही है मूली के पत्ते में और मोतियों में, तो तुल्योगिता अलंकार हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भी इसमें किया गया है, उर न समय है यानी हृदय नहीं समाना, इसमें मुहावरे का प्रयोग है उर न समय है। इसमें मुहावरा है। इसके अतिरिक्त अनुयुक्ति विधान अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। यह आपका हो गया भ्रमर गीत सार का पद संख्या 24। अब आगे देखेंगे पद संख्या 26। ए अलि कहां जोग में निको, तज रसरीत नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाहि कछु श्रवण ज्योति ज्योति करि ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हों बिसरावत, सुन रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले, लोक कान डाल कुल को भ्रम प्रभु मिली, मिली मिली कै घर बन खेली, अब तुम सूर खावन आए जोग जहर की बेली। ये इसका जो प्रसंग आप संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे, और प्रसंग जैसे आप लिखेंगे कि इसमें गोपियां कृष्ण के साथ व्यतीत किए क्षण को याद कर रही हैं। जो गोपियां हैं वह कृष्ण के साथ व्यतीत किए क्षण को याद कर रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं और उसी अतीत में अपने आप को भूल जा रही हैं। और तब वह उद्धव से कहती हैं, ए अली कहां जोग में निको, जोग मने योग, अली उद्धव यानी भौरे का एक पर्यायवाची अलवी है, निको मने अच्छा या अच्छाई, ए अली कहां जोग में निको प्रश्नवाचक चिन्ह है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव यह बताओ कि तुम्हारे ब्रह्म में कौन सी अच्छाई है, ए अली कहां जोग में निको, हे उद्धव हे भ्रमर हे मधुकर यह बताओ कि तुम्हारे इस योग में, इस तुम्हारे उस ब्रह्म में कौन सी अच्छाई है जिसने तज रसरीत नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। तज मने छोड़कर, तज मने होता है छोड़कर या अथवा त्याग कर, कि तज रसरीत नंद नंदन, नंद नंदन कृष्ण की सिखवत निर्गुण फीको, कौन सी अच्छाई है जिससे हम कृष्ण के प्रेम तत्व को, कृष्ण के रस को, कृष्ण के प्रेम के रस को छोड़कर तुम्हारे उस निर्गुण फीके ब्रह्म में अपने मन को लगा दें, अर्थात तुम्हारे उस ब्रह्म में कौन सी अच्छाई है कि हम कृष्ण के प्रेम को छोड़कर तुम्हारे उस फीके परम ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में अपने मन को लगाएं। देखत सुनत नाहि कछु श्रवण ज्योति ज्योति कर ध्यावत,
कि तुम्हारा वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो तुम योग मार्गी हो, वह ना तो कुछ कानों से सुन सकता है और ना ही कुछ देखता है, बस ज्योत ज्योत प्रकाश प्रकाश करके इधर उधर वह भ्रमण करता रहता है। ध्यावत मने भ्रमण करना, घूमना। देखत सुनत ना ही कछु श्रवणन, ना वह नेत्रों से कुछ देखता है, ना ही वह कानों से कुछ सुनता है, और बस ज्योत ज्योत शब्द का व्याख्यान करता हुआ इधर उधर भ्रमण करता है। सुंदर श्याम दयाल कृपानिधि कैसे हो बिसरावत। अब ऐसे ब्रह्म से, ऐसे योग मार्ग से हम अपने उस सुंदर श्याम दयालु कृपा के सागर कृष्ण को कैसे बिसरा दें, कैसे कृष्ण को भुला दें। बिसरावत मने होता है भुलाना, विस्मृत करना। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले। आगे वह अपने अतीत को याद करती हैं और कहती हैं कि सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले। कौतुक मने होता है, कौतुक रस मने उनके आनंद, जो वो लीलाएं करते थे, जो क्रीड़ाएं करते थे, उसका आनंद। सुनि मने सुनकर, मुरली सुर मने मुरली की ध्वनि। कहती कि हम तो उनकी मुरली की मधुर ध्वनि को सुनकर उसके आनंद में इतना मग्न हो जाती थी, इतनी बेसुध हो जाती थी कि सब कुछ भूल जाती थी। सुन रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले, कि हम उनके उस मधुर रस से भरे हुए मुरली की धुन को जब सुनते थे तो इतने आनंद में मग्न हो जाते थे, इतने बेसुध हो जाते थे कि उस ध्वनि के आकर्षण में हम सब कुछ भूल जाते थे, हर तरह के आनंद विस्मृत कर देते थे। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फैले। ग्रीवा मने होता है गर्दन। आगे वो याद करती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमको याद आ रहा है, आज हमें वो क्षण याद आ रहे हैं कि कृष्ण प्रेम में मग्न होकर अपनी भुजाएं हमारे गले में डाल देते थे। और सुख फूले मने हो गया है, होता है आनंद विभोर हो जाना, एकदम आनंद में मग्न हो जाना। सुख फूले यानी आनंद विभोर होना। गोपियां बीते दिनों को याद कर रही हैं, कृष्ण के साथ व्यतीत किए क्षण को याद कर रही हैं कि सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले। कि हे उद्धव, कृष्ण के उस मधुर मुरली की ध्वनि को सुन करके हम इतने मग्न हो जाते थे, इतने बेसुध हो जाते थे कि सारा कुछ उसके आकर्षण में हम भूल जाते थे। आगे कहती हैं, अपनी भुजा मने बाँ होता है, भुजा ग्रीव मने गर्दन पर मेले गोपिन के सुख फूले। कृष्ण हमें याद आ रहा है कि कृष्ण हमारे प्रेम में मग्न होकर अपनी भुजाएं हमारे गले में डाल देते थे और हम आनंद विभोर हो जाया करते थे। लोक कान डाल कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली कह घर बन खेली। और हे उद्धव, इतना ही नहीं, हम कृष्ण के प्रेम में इतने मग्न थे कि सभी तरह की लोक की मर्यादाओं को त्याग दिए थे। लोक कुल, लोक कान यानी संसार की कुल की जितनी मर्यादाएं हैं उस सबके भ्रम को हम तोड़ दिए थे। मिली मिली के घर बन खेली, और हम और प्रभु यानी कृष्ण मिल के कभी घर पे कभी बनों में अनेक आनंद क्रीड़ाएं किया करते थे, जिसमें किसी भी प्रकार की भ्रांतिमान मर्यादाएं कभी बाधक नहीं बनी और ना ही हमने कभी उसकी चिंता की। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। और जिसने कृष्ण के प्रेम में लोक कुल संसार की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, चिंता नहीं की, ऐसे गोपिकाओं को तुम आज जोग जहर की बेली यानी योग रूपी जहर को तुम देने आए हो। अंत में सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि जिस कृष्ण के लिए हमने लोक की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, लोक की मर्यादा का कभी चिंता नहीं किया, ऐसे कृष्ण के प्रेम को त्यागने का तुम्हारा यह उपदेश हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, और तुम्हारे योग संबंधी इस जहर की बेली को हम कैसे खा सकते हैं, तुम्हारे इस योग के ज्ञान को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। पुनः एक बार पढ़ते हैं। ए अली कहाँ जोग में निको,
तज रसरीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म में कौन सी अच्छाई है जिससे हम श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग कर तुम्हारे बताए निर्गुण मार्ग पे चलें। देखत सुनत नाहि कछु श्रवण, ज्योति ज्योति कर ध्यावत। तुम योग मार्ग का जो संदेश दे रहे हो, वह योग मार्गी लोग कुछ भी नेत्रों से देखते नहीं, ना ही कुछ सुन सकते हैं। केवल ज्योति ज्योति शब्द का व्याख्या करते हुए इधर उधर भ्रमण करते हैं। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो बिसरावत। अब ऐसे नीरस निर्गुण ब्रह्म के लिए हम सुंदर श्याम सलोने उस कृष्ण के प्रेम को, कृपा के सागर के प्रेम को कैसे बिसरा दें, कैसे भुला दें जो मन को मोह लेने वाला है। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि, सोई कौतुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख फूले। आगे गोपिका कहती है कि जब हम उनकी मुरली की मधुर ध्वनि सुनते थे तो उसके आनंद में निमग्न हो जाती थी, हम लोग बेसुध हो जाते थे और उसी ध्वनि के आकर्षण में हम अपना सब कुछ भुला देते थे। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख फूले। और जब कृष्ण हमारे उस प्रेम में मग्न अवस्था को देखते थे तो अपनी बाँह हमारे गले में डाल देते थे और सारी गोपियाँ आनंद में विभोर हो जाया करती थीं। लोक कान डाल कुल को भ्रम प्रभु, मिल मिल के घर बन खेली। और हे उद्धव, इतना ही नहीं, हम अपने आराध्य कृष्ण के साथ प्रेम में लोक की सभी मर्यादाओं को त्याग दिए थे। हम कभी घर में तो कभी वन में उनसे अनेक प्रेम क्रीड़ाएँ किया करते थे। अर्थात हमारे और कृष्ण के प्रेम में इस संसार की भ्रांतिमान मर्यादाएँ कभी बाधक नहीं बनी और ना ही हमने कभी उसकी चिंता की। अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। अब हे उद्धव, सुदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि जिस गोपिकाओं ने कृष्ण के प्रेम में कभी लोक की, संसार की, दुनिया की चिंता नहीं की, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, ऐसे गोपिकाओं को तुम आज योग संबंधी विषैले फल को खिलाने आए हो, वह तुम्हारे इस योग संबंधी विषैले फल को कैसे खा सकती हैं, अर्थात कृष्ण के प्रेम को कैसे विस्मृत कर सकती हैं, कैसे उनको भुला सकती हैं। ये हो गया आपका पद संख्या 26 का सप्रसंग व्याख्या। इसका विशेष देख लें एक बार। इसके विशेष में आपको लिखना है, विशेष इसका हो जाएगा आपका कि अतीत की स्मृति की सुंदर झांकी है। गोपिकाएं अपने अतीत को याद कर रही हैं कि कैसे वह कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं करती थीं। अतीत की सुंदर स्मृति का चित्रण कर सकते हैं अथवा झांकी भी लिख सकते हैं। स्मृति संचारी भाव का विवेचन किया गया है, स्मृति संचारी भाव, क्योंकि गोपिकाएं याद कर रही हैं उन बीते क्षणों को, बीते पल को। तीसरा आप कर लें, कायिक अनुभव का सहज चित्रांकन है, कायिक अनुभव का सहज चित्रांकन है, बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा में आप ब्रजभाषा ही लिखेंगे क्योंकि सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा ही है। आप विशेष में लिख देंगे। अब सूरदास जी का प्रेम वर्णन और भक्ति भावना के साथ पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।